आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय स्टूडेंट्स, तो आज हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है एक स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m। तो ये स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m जो है ये इस कंबाइंड इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मूव करता है, जहाँ पे यहाँ पे एंगल 60 डिग्री से 30 डिग्री पे अचानक से यहाँ पे बी पॉइंट पे चेंज हो जाता है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि अगर हमने ब्लॉक को पॉइंट ए से रेस्ट पर रिलीज़ किया था और यहाँ पे खोने वाले कोलिजन को आप इन इलास्टिक अज्यूम करें, तो ये सब करके स्पीड ऑफ ब्लॉक एट पॉइंट सी हमें क्या मिलेगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो पहले मैं, क्योंकि मुझे स्पीड निकालनी है, तो पहले मैं ये हाइट निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा टेन सिक्सटी, तो टेन सिक्सटी मेरा कितना हो जाएगा, टेन सिक्सटी मेरा हो जाएगा स्मॉल एच अपॉन रूट थ्री, स्मॉल एच अपॉन रूट थ्री। तो यहाँ से मेरे पास एच आ जाएगा 3 मीटर। तो पॉइंट बी पे पहुँचने पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, रूट टू जी एच, यानी कि रूट 60, क्योंकि 2 इंटू 10 इंटू 3 मुझे 60 दे देगा। तो 60 मीटर पर सेकंड उसकी बी पे पहुंचने पे वेलोसिटी होगी ब्लॉक की। तो एक बार जब वो बी पे पहुंच जाएगा, तो अगर मैं इंक्लाइन बनाऊँ यहाँ पे, ये मैंने ड्रॉ कर दिया है इंक्लाइन, तो ये इंक्लाइन मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे 30 डिग्री वाला। इसके ऊपर ब्लॉक जब आएगा, ये ब्लॉक की वेलोसिटी मैंने ड्रॉ कर दी, ये नॉर्मल है, तो वो 60 डिग्री के इंक्लाइन से आ रहा होगा। क्योंकि वो 60 डिग्री के इंक्लाइन से आएगा, तो ये एंगल 30 होगा और ये एंगल भी 30 होगा। तो इन इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास यहाँ पे ये होता है कि मैं जो बात करूँ, इन इलास्टिक कोलिजन में मेरी जो सरफेस के नॉर्मल जो वेलोसिटी होगी वो अब्सॉर्ब हो जाएगी और सरफेस के पैरेलल जो वेलोसिटी होगी वो अनचेंज रहेगी। क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन में यहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है हमारे पास, तो इन इलास्टिक कोलिजन में इस नॉर्मल के अलॉन्ग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो अब्सॉर्ब हो जाएगा और गायब हो जाएगा, तो सिर्फ पैरेलल वाली वेलोसिटी ही बचेगी। तो मैं डायरेक्टली ये जो वी है मेरे पास, इस वी का मैं डायरेक्टली पैरेलल कंपोनेंट यहाँ पे निकाल लेता हूँ। तो वी कॉस 30 मेरे पास, वी कॉस 30 डिग्री मेरे पास पैरेलल कंपोनेंट होगा। तो वी कॉस 30 करूँ अगर मैं, रूट 3/4 लिख लेता हूँ रूट 3/2 को, तो ये सॉल्व करने पे रूट 45 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जब ब्लॉक अगले इंक्लाइंड प्लेन पे मोशन स्टार्ट करेगा तो ये रूट 45 की स्पीड से स्टार्ट करेगा और हमें स्पीड बतानी है पॉइंट सी पे। तो हम इसकी इनिशियल एनर्जी प्लस ये वाली पोटेंशियल एनर्जी, इतनी हाइट से गिरने वाली, इस हाइट को मैं एच डैश कह रहा हूँ, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो एच डैश हाइट से गिरने के बाद मिलेगी विल बी इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी एट सी। तो यहाँ पे हम सीधी सी इक्वेशन एक लिखेंगे, इक्वेशन में मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि 45 प्लस एच डैश पहले निकाल लेते हैं। एच डैश निकालने के लिए 10-30 डिग्री, क्योंकि ये 30 है, 10-30 कितना हो जाएगा, एच डैश अपॉन 3√3, एच डैश अपॉन 3√3। तो यहाँ से एच डैश मेरे पास आ जाएगा 3 मीटर, तो एच डैश भी 3 मीटर आ गया, यानी इस हाइट से नीचे गिरने के बाद, इस हाइट से नीचे गिरने के बाद इसकी वेलोसिटी फिर ये हो जाएगी अगर वो सिर्फ अकेले इस हाइट से गिरता। तो यहाँ पे मैं एम जी एच लगा दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा एम इंटू जी इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हो गई हमारे पास, ठीक है, तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी लिख दी एम जी एच, एच जो मैं निकाल चुका था। तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी की बात। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सी स्क्वायर, जहाँ पे वी सी मेरी वेलोसिटी है एट पॉइंट सी, तो हाफ, तो मैं एम एम और एम कैंसिल, हाफ और हाफ, और इसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 45 प्लस 60 इज इक्वल टू वी सी स्क्वायर, यानी वी सी यहाँ से हमको मिल जाएगा अंडर रूट 105 मीटर पर सेकेंड, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पॉइंट सी पे पहुंचने के बाद ब्लॉक एम की वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट 105 मीटर पर सेकेंड। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।